हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस वक्त मैं लाहौर में एक इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो ये फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ रोबोट रोजाना की बुनियाद पे लातादाद बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और लोकल ब्रांड्स और लोकल बेवरेजेस को लेकर काफी चर्चा है। भैया, जिस शादी में गया कोला नेक्स्ट ही मिल रही थी हर जगह, रेस्टोरेंट्स में देख लें, फूड ग्रुप्स में देख लें, आपको हर जगह लोकल ब्रांड्स देख रहे हैं। तो मैं सोचा आज यार लाहौर में जरा छापा मारूं उनकी फैक्ट्री में और देखूं कि इज इट वर्थ द हाइप, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं और गली वली कोई गेम शेम तो नहीं है। आके मैंने लगा छापा मारते हैं और देखते हैं कोला नेक्स्ट क्या रेसिपी बना रहा है। अच्छा जी, कोला नेक्स्ट का ये क्लेम है, जब आप दुकान में शेल्फ से बोतल उठाते हैं तो आप पहले इंसान होते हैं जो बोतल को हाथ लगाते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम इतना ऑटोमेटेड है कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो ये बात की तस्दीक करने के लिए हमने दावत दी आलमगीर जंजुआ साहब को, जो कि जीएम है मार्केटिंग मीजान ग्रुप के। आलमगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जय साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो ये बताएं आप कहाँ गायब थे, आपको अब याद आया है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स देनी है, कहाँ थे आप? जनाब, हम तो यहाँ थे, बल्कि हम पिछले 40 साल प्लस से माशाल्लाह कंज्यूमर्स की खिदमत कर रहे हैं मीजान ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमारे पास एडिबल ऑयल भी है, उसमें हम मार्केट लीडर्स हैं माशाल्लाह, हमारे पास चाय की बड़ी अच्छी वसी रेंज है और कोला की भी, अब बेवरेजेस की भी हमारी बहुत बेहतरीन रेंज है। प्रॉब्लम ये है जी कि हमारे जो कंज्यूमर्स का परसेप्शन है ना, वो फॉर सम रीज़न हमेशा इंक्लाइंड होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर फॉरेन ब्रांड्स हैं, बाहर के ब्रांड्स हैं तो बहुत अच्छे होंगे, जबकि पाकिस्तानी ब्रांड्स को वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे ऐसा हरगिज़ नहीं है, माशाल्लाह हम किसी से कम नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, हमारी प्रोसेसेस वही हैं जो ग्लोबली इस्तेमाल हो रही हैं और माशाल्लाह टेस्ट आज आप खुद करेंगे, खुद देखेंगे तो आप खुद इस चीज़ की गवाही देंगे। सिर्फ इशू ये है कि वो जो बैरियर्स हैं कंज्यूमर के माइंड में, उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है। तो अब चूंकि लोगों की तरफ से काफ़ी डिमांड है लोकल बेवरेजेस को लेके, लोकल प्रोडक्ट्स को लेके, तो आप इस टिल्ट को, इस शिफ्ट को किस तरह देख रहे हैं? जी माशाल्लाह, बहुत खुशाइन बात है, अब जेन्युइनली लोग जो है ढूंढ रहे हैं, कौन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना खूबसूरत और बेहतरीन फीडबैक हमें सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में, ट्रेड से, कंज्यूमर से मिल रहा है और सब एक ही बात कर रहे हैं कि जी और चाहिए, और चाहिए। और आप जैसे कदरदान हमारे कंज्यूमर्स का बहुत शुक्रिया कि अब आप सराह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो मज़ा और जो खूबसूरती पाकिस्तानी ब्रांड्स की है, वो आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी। सही बातें तो चलती रहेंगी, आइए आलमगीर साहब के साथ चलते हैं और फैक्ट्री का विजिट करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस कितने स्मूथ है। आइए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस कमरे में जहाँ पे पानी के लिए आरओ प्लांट लगा हुआ है, पानी को ट्रीट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है जेन टू ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए, जहाँ पे कंप्लीट डीमिनरलाइजिंग विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूवी स्टरलाइजेशन और कंट्रोल्ड मिनरल्स, मतलब बड़े मोटे मोटे अल्फाज है। बात सारी ये है कि पानी को बेहतरीन जर्मन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीट किया जाता है। फिर वहां से चलते हैं हम अगले रूम में जिसको कहते हैं सिरप रूम, बड़े बड़े जॉइंट साइज के मिक्सर जहाँ पे मौजूद है, डिफरेंट फ्लेवर्स है जहाँ पे आके पानी मिक्स होता है और फिर यहाँ से सिलसिला चलता है बॉटलिंग की तरफ, जहां पे बॉटल्स प्रोड्यूस भी हो रही है और साथ ही साथ फिल भी हो रही है। और फैक्ट्री के स्टैंडर्ड इतने हाई थे, फुल मल्टीनेशनल वाले सीन्स थे, मुझे वहां पे खड़े होके लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान की किसी फैक्ट्री में मौजूद हूं। पहले बॉटल्स बनाई जाती हैं, फिर उनको कूल किया जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइंस एक साथ चल रही हैं, एक तरफ कोला नेक्स की सैकड़ों बोतलें फिल हो रही हैं और दूसरी तरफ फिज अप की अपनी लाइन चल रही है। सो फिर यहां से आती है बेवरेज सीधा बॉटल्स के अंदर। सो बॉटल्स फिल होने के बाद सिक्योरली कैप हो जाती हैं, फिर लेबलिंग पे जाती हैं, जो कि आप स्टिकर देखते हैं बॉटल्स पे लगा होता है, साथ ही साथ उस पर कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन की जाती है और एक सिस्टम के तहत जो डिफेक्टेड बॉटल्स होती हैं वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाती हैं ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन क्वालिटी की कोला नेक्स। फिर ये जाती है अगले कमरे में जहां पे मैंने देखे रोबोटिक आर्म्स जो कि इतना प्रेसाइज और इतना जबरदस्त काम कर रहे थे कि मैं दंग रह गया। और मुझे बताया गया था कि मीजान ने पहली बार ये रोबोट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए थे। ये प्रोसेस देखे मेरा दिमाग घूम गया था कि कितने सारे लोगों का काम ये अकेला रोबोट कर रहा है और नीट एंड क्लीन काम कर रहा है।
अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि रोबोटिक आर्म्स कितनी प्रिसिशन के साथ बॉटल्स की अलाइनमेंट कर रहे हैं, छः छः के पैकेट बना के आगे दूसरे रोबोट भाई को भेज रहे हैं कि भैया अब तू वहाँ से जाके पैकिंग इस पे चढ़ा। वहाँ पे होती है पैकिंग और फिर जब बहुत सारे पैक्स तैयार हो जाते हैं तो एक पैलेट के ऊपर उनको पूरा पैकेज किया जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता साइड में कोई शार्प एजेस हो प्लास्टिक की तो उसको भी रोबोट के आर्म्स काट देते हैं ताकि हैंडलिंग के दौरान सेफ्टी रहे। और फिर आते हैं फोकलिफ्ट वाले भैया जो कि उसको आराम से हैंडल करके सीधा वेयरहाउस पे ले जाते हैं, और फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो जिसको कहते हैं उसके जरिए ये बॉटल्स पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती हैं और आपके और मेरे टेबल पे सज जाती हैं। सर जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स को बड़ा लाइट लेते हैं और कहते हैं हाँ बस चल चलाओ वाला काम है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया आप क्लीनलीनेस ही देख लें, स्टैंडर्ड्स देख लें, बाकी किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपेयर करें तो जो पूरा प्रोसेसेस है, मशीनरी हो गई, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, आई एम रियली हैप्पी। रेंज की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल ब्लैक व्हाइट और ऑरेंज तो है ही है, साथ में फ्रूटी फ्लेवर्स भी है जैसे लीची है, अनार है, एनर्जी ड्रिंक भी है, आइसक्रीम सोडा भी है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं और दूध में मिला के तो और मजा आता है, और अब तो कोला नेक्स्ट का वाटर नेक्स्ट भी मार्केट में आ गया, सो आई थिंक ये रेंज आपके घर में जरूर मौजूद होनी चाहिए। आज हम सस्टेनेबिलिटी की और इको फ्रेंडली होने की काफी बात करते हैं, तो भाई ये पूरी जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये सोलर पे चल रही है। जी हाँ, 5 मेगावाट के इन्होंने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, और ना सिर्फ फैक्ट्री बल्कि फैक्ट्री के साथ जो एम्प्लॉयज की रेजिडेंसीज है, पूरा इकोसिस्टम है, ये सब सोलर पे चल रहा है। और अगर इसी तरह लाहौर की तमाम फैक्ट्रियां सोलर पे चली जाए तो लाहौर से स्मॉग का मसला भी हल हो सकता है, तो एक बड़ा खुशाइन स्टेप है मीज़ान ग्रुप की तरफ से जो कि रेप्लिकेट होना चाहिए। तो भाई ये था मेरा कोला नेक्स्ट का फैक्ट्री विजिट, और आपने देखा कि कितनी क्लीनलीनेस और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन आप तक इनकी प्रोडक्ट्स पहुंचती है, और ये मीज़ान ग्रुप ऑफ कंपनीज की लेगेसी है और टेस्टमेंट है उनकी 40 साल कारकर्दगी का कि आप तक हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाई हैं। और हमने हमेशा से सुना था हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, ये सोचा भी नहीं था कि कोला भी मीज़ान में ही अच्छी लगेगी। और सबसे खुशाइन बात यह है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बना रही है और इसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे रही है, और आई एम श्योर इस तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज मीज़ान को देखते देखते आएंगी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगी। तो कोला नेक्स्ट कहता है द नेक्स्ट लेवल क्वालिटी पाकिस्तानी प्रोडक्ट, आई लव्ड इट एंड सो विल यू।